हेलो लवली पीपल, वेलकम बैक टू माय किचन। अभी रिसेंटली एक रेसिपी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रही थी, दैट इज़ डलगोना कॉफ़ी। तो उसी को यूज़ करके मैंने एक नई रेसिपी बनाई है, डलगोना कॉफ़ी कुकीज़। ये कुकीज़ हमने माइक्रोवेव यूज़ किए बिना बनाई है, एंड बहुत ज़्यादा बेसिक से इंग्रेडिएंट्स इस रेसिपी में यूज़ किए हैं। तो आप ये लॉकडाउन के टाइम पर भी इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। सो लेट्स चेक आउट द रेसिपी। एक मिक्सिंग बाउल में हम लेंगे 1 टेबल स्पून कॉफ़ी पाउडर, 1 टेबल स्पून शुगर एंड 1 टेबल स्पून हॉट वाटर। अब हम सिंपली इसको बीट करना स्टार्ट करेंगे। आप स्पून या विस्क कुछ भी यूज कर सकते हैं। हम इसको जब तक बीट करेंगे जब तक कि क्रीमी फॉर्म की तरह नहीं हो जाता है। अब हम ऐड करेंगे 1/2 कप ऑयल, 1/2 कप पाउडर शुगर, 4 से 5 मिनट और कम से कम 4 से 5 मिनट तक हम इसको बीट करेंगे। जितना ज़्यादा हम इस मिक्सचर को बीट करते हैं वो फ्लफ़ी होता है और फिर उतनी ही ज़्यादा सॉफ्ट हमारी कुकीज़ बनती हैं। आप ऑयल की जगह बटर यूज़ कर लें, बट बटर हो या ऑयल, शुगर के साथ उनका प्रोपोर्शन इक्वल रहेगा। अब बॉल के ऊपर हम एक सीव प्लेस कर देते हैं। ऐड करेंगे 1.5 कप व्हीट फ्लोर, इसकी जगह आप मैदा या दोनों को मिक्स करके भी यूज़ कर सकते हैं, 1 पिंच ऑफ सॉल्ट, 1/2 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टेबल स्पून बेकिंग सोडा, 2 टेबल स्पून कोको पाउडर। अब हमारे सारे रॉ इंग्रेडिएंट्स को हम छान लेते हैं। अब मैं यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड कर रही हूँ, ऑप्शनल है या आप स्किप भी कर सकते हैं। मैंने यूज़ किए हैं आलमंड्स एंड कैश्यू नट्स। पहले तो हम सारे इंग्रेडिएंट्स को स्पून की हेल्प से ही मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसका डो प्रिपेयर करना स्टार्ट करेंगे। थोड़ा थोड़ा मिल्क डाल के उसकी हेल्प से हम इसको नीड करेंगे। डो की कंसिस्टेंसी टाइट होनी चाहिए, ज़्यादा लूज नहीं होना चाहिए। हाथों को हमने ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं। अबाउट 1 टेबल स्पून पोर्शन हम अपने हाथ पर लेंगे और उसको कुकी की शेप देंगे। इसी तरह सारी कुकीज़ बना के हम उन्हें एक बेकिंग ट्रे में सेट कर लेंगे। अब हम इन कुकीज़ को बेक करेंगे। ये पैन में सॉल्ट है जिसको मैंने पहले भी 20 से 25 बार बेकिंग के लिए यूज़ किया हुआ है। अब हम एक स्टैंड के ऊपर बेकिंग ट्रे को रख देंगे और इनको कवर करके 20 से 25 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर बेक करेंगे। आप देख सकते हैं कुकीज अच्छे से बेक हो चुके हैं। इनको हम गार्निश कर देते हैं थोड़े से चॉकलेट सिरप से। बहुत ही सिंपल रेसिपी है ये, आप इजीली ये कुकीज बना सकते हैं और बनाने के बाद आप अपना एक्सपीरियंस जरूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।